हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी सबसे पहले सुबह 7 बजे मैं उठा हूँ, रेडी हो चुका हूँ कि आज स्कूल जाना है मुझे। और ये देखिए, मम्मी ने मेरा लंच तैयार कर दिया। ये देखिए, मेरा टिफिन बॉक्स रेडी हो चुके हैं। इसमें पराठे है, इसमें सब्जी है और इसमें आएगा दही। तो अभी दही फ्रिज में रखा हुआ है तो टाइम लगेगा। और इनको देखिए, अभी तक ये देखिए बीमार व्यक्ति कैसे सोए। और मम्मी को देखिए, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं। एक और बीमार व्यक्ति देखो, ये देखिए एक और बीमार व्यक्ति। घर में 2-3 जन बीमार है अभी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्कूल। इसके बाद मिलते हैं अभी रास्ते में। आज बाइक से जाएंगे मैं और पंकज सर। तो दोस्तों, स्कूल ख़त्म हो चुका है और हम निकल चुके हैं। अभी रास्ते में ज़रा रेस्ट करने रुके थे, पंकज सर को चाय पीना था। देखिए वो रहे पीछे, चाय का पेमेंट कर रहे। और अब हम लोग घर जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग है सेलदा फाटे पे। घर से ऑर्डर आ गया है कि घर वालों के लिए मैगी लेके जाना है। तो पहले जाके रास्ते में मैगी खरीदेंगे, उसके बाद घर आएंगे। तब मैगी बनेगी, जब तक मुँह हाथ धोएंगे बढ़िया रेडी होके, मैगी वैगी खाएंगे मस्त और फिर आराम। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर और देखिए साथ में मैं लाया हूँ मैगी। चलिए फिलहाल तो मैं गन्ने का जूस भी साथ में लाया हूँ। अभी गन्ने का जूस पीते हैं, चेंज करते हैं, आराम करते हैं। सब सोए हैं, अपन भी थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं उठने के बाद। तो दोस्तों, मेरे आते ही देखिए सबकी नींद खुल गई और सब गन्ने का जूस पी गए। देखिए बस उठा नहीं तो वो एक ये जानवर है, देखिए कैसा सोया है बेसुध होके। दिन में भी बहुत सोता है, रात में भी बहुत सोता है। फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मेरा आराम हो गया है। अब मेरा मन हो रहा है मैगी खाने का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे को याद दिला दी थी कि मैगी बनाओ। बाकी मैंने इनको मना कर दिया कि अभी थोड़ा आराम करती हूँ, मेरे को अभी नहीं बनाना है। तो अब मेरा भी मन हो रहा है तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। और ये देखो आराम से सो रहे हैं, इनको भी मैं बताऊँगी नहीं कि मैं मैगी बना रही हूँ। मैं जाके बना लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद सरप्राइज दूंगी। ये देखो शेर खांजे से सो रहे हैं, पराठे ले लेके कूलर की हवा में मस्त। यहाँ पे मेरी मैगी की तैयारी हो गई। मैंने टमाटर और हरी मिर्ची से मैगी बनाऊंगी। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स देखो, यहाँ मम्मी खा रहे हैं चोकोबार और उनकी चोकोबार पूरी पिघल गई है तो वह रबड़ी बन गई। देखो कैसी हो गई, फ्रीजर में पूरी पिघल गई थी तो पूरी रबड़ी बन गई। चलो अभी मैं फटाफट मैगी बनाती हूँ, फिर उसके बाद में साथ में मिलके खाएंगे। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मेरी मैगी बनने वाली है, बस उबाल आएगा और बन जाएगी, उसके बाद फिर हम खाएंगे। बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी बनी और इनसे पूछ के बताऊंगी कि कैसी बनी। देखो मैं बताती हूँ, ये इतनी यम्मी यम्मी मैगी। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मेरी मैगी बन के रेडी हो चुकी है। मैगी के पैकेट पे लिखा होता है कि ये 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इसको 15 मिनट से बना रही हूँ और ये अब जाके बनी है। तो चलो जल्दी से इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं और ले जाती हूँ मेरे पति के पास और उनको देखना। वो है ना इतने मतलब खाने के इतने शौकीन है वो, कि वो खुशबू से ही पहचान लेंगे कि ये मैगी बन गई, खुश हो जाएंगे। तो चलो लेके चलते हैं और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। मैंने निकाल ली है प्लेट में मैगी और अब मैं लेके जा रही हूँ रूम में। देखो मेरी आ गई है मैगी। हाँ गर्म लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी देखो इनके नाक के सामने इसको डालते हैं। देख देख मैंने क्या बनाया।
भाप लगे एकदम से गरम गरम। आपको खुशबू से पहचाना आपने? डिलीशियस मैगी। चल अपन खाते फटाफट, पहले टेस्ट करके बताओ कैसी है। अभी तो बहुत गर्म है, पहले ठंडा होने दो। ठीक है। हाँ दोस्तों, मैगी बहुत ही अच्छी बनी, मैंने खा के देखी। इनको देखो, पता है डॉक्टर ने इनको मैगी खाने का मना किया। तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ी खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। इसीलिए तो मैं खाने दे रहा हूँ। कब बोला ऐसा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा मैगी नहीं खाना चाहिए। कब बोला? प्रेगनेंसी में। इसलिए मैं इनको ना ज़्यादा मैगी खाने नहीं दे रहा हूँ। इसे देखो, ढोल भी रहे हैं, पर अब मेरे को भी नहीं पता कि इससे पहले कब बनी थी। कब बनी थी याद है? बनाते ही नहीं अपन। तो इसीलिए दोस्तों मैं इनको मना नहीं कर रहा हूँ, अभी खाने दे रहा हूँ। मैं तो सुबह रोटी सब्जी खाता हूँ। चलो अब मिलते हैं इसको ख़त्म करने के बाद। तो दोस्तों मैगी खा ली है, देखिए अब यहाँ पर मैगी को पचाने का काम भी चालू हो गया है। झाड़ू लगाई जा रही है, शाम की झाड़ू। और ये देखिए हमारी फोटो शादी की, कितने प्यारे लग रहे हैं हम दोनों। ऐसा फोटो में बबल्स आ गए हैं शादी के, अभी 4-5 7 महीने हुए है ना शादी के टाइम भी नहीं। आपके बर्थडे पे गिफ्ट की थी, अभी की है वो। अभी के दिसंबर की देखिए दोस्तों, जस्ट ये फोटो देखिए। और ये देखिए, ये देखिए नन्हे मुन्ने हमारे बाल गोपाल। चलिए हम भी थोड़ा छत पे घूम ले, मैगी पचा ले, पीछे मैच चल रहा है गली क्रिकेट, उनको देखेंगे। देखो मेरे पीछे पीछे कौन आ गया ऊपर, रोनी पहलवान। और दोस्तों देखिए 5:30 बजे भी कितनी तेज़ धूप है, और अभी कुछ ही प्लेयर्स आए हैं पीछे गली क्रिकेट में, गली में क्रिकेट खेलने वाले। और अभी धूप भी बहुत तेज है, इसलिए वो शायद अभी आए नहीं। देखो कुछ ही तैयारियां चल रही है अभी मैदान में। और इसको देखिए, नो रिस्पांस भाई साहब। जा देख गोनी है, देख पीछे, देख जा पीछे, देख वो टोनी आया, देख जा मस्ती कर रहा दोनों। टोनी और गोनी इसके दोस्तों का नाम है, देखिए उनको देखने के लिए देखिए कितनी जल्दी गया। देखो दोस्तों कितना बदमाश है, अभी मैं बुलाता तो नहीं आता। चलो अब इसको नीचे ले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, थोड़ी देर से आएंगे। चलो बेटा नीचे चल। देखो ये अभी बुला रहा हो तो नहीं आ रहा है। देखो कोई आया गेट पे, आवाज़ आई तो कैसा भागा। इसको रखने का यही फायदा है, गेट बजा कि भागता है। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 7:00 PM, और मेरा अब दिया बत्ती करने का टाइम हो गया है। थोड़ा दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। और इनकी हो गई है थोड़ी तबीयत ख़राब, सिर दुखा रहे हैं और बुखार आ रहा है थोड़ा, क्योंकि धूप में आज स्कूल गए थे तो धूप में बाइक से गए, वापस आते से बोल रहे मेरा सिर दुख रहा है और बुखार भी लग रहा है थोड़ा। तो अभी यहाँ पर इनका आराम हो रहा है, फिर मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद हमको मार्केट भी जाना है। अब देखते हैं, दिन को ठीक लगेगा तो जाएंगे, वरना फिर कल जाएंगे। पूछती हूँ मैं इनसे कैसा लग रहा है। ये देखो बीमार बच्चा, कल मेरे को बोल रहा था ना कि बीमार, आज खुद बीमार हो गए। मार्केट जाना है कि नहीं? चलेगा थोड़ी, अभी थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद जब तक मैं भी मेरा काम कर लेती हूँ, है ना। 10 मिनट पहले उठा रही हूँ। हाँ कूलर चालू करो, नहीं ठंड लग रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले थे मार्केट, और ये देखिए हमारे पड़ोस के दो नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे, लाल पीले। हाय करो, ऐसा करो मुंद्री, ऐसा करो मुंद्री, करो तो। फ्रेंड्स हम लोग अब निकलने वाले हैं मार्केट, और ये देखिए हमारे बच्चे लाल लाल पीले पीले। हाय ये ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर। तो चलिए अब निकलते हैं मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और सबसे पहले हम जाएंगे स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं थे, खरीदना था, हालांकि कुछ नहीं है,
बस हे 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 क्या खरीदना है? थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। खरीदना है? हाँ, इनको कुछ खरीदना है, मैं तो कुछ नहीं खरीदना है, फिर भी मैं घूम के आ जाऊंगी एसी में। इनको पता नहीं क्या खरीदना है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा शॉपिंग तो ये करते हैं, मेकअप भी यही करते हैं मेरे से ज़्यादा। सही है। फ्रेंड्स देखो, हम आ चुके स्मार्ट बाज़ार और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे है ना ये कंटिन्यू ऑफ़र देते हैं और मार्केट के बजाय यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। तो दोस्तों देखिए, मना करते करते इन्होंने ये फेयर एंड लवली लिया है, ग्लो एंड लवली, और ये देखिए पैरों में टॉयलेट की चप्पल पहन के आ चुके हैं भूल से, गलती से। गलती से टॉयलेट की चप्पल पहन के आ गए। देखो जरा डॉक्टर चप्पल है। हाँ, कितना भी बोलो अब। तो अब हम आ चुके हैं देखिए कपड़ों वाले सेक्शन में, और इनको देखो जो मना कर रहे थे कि मैं कुछ नहीं लूंगी, इनको देखो। देख रही हूं। जब लेना ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बताओ दोस्तों। चलो देख लो, वैसे भी अच्छा है, मेरा खर्चा नहीं होगा। और ये देखिए फिर से एक बार। तो देखिए, कुछ ना खरीदने वालों ने भी बहुत सारे आइटम खरीद लिए हैं, और देखिए ये थैली भी हमने जुगाड़ मार ली। ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर थैली 14 रुपये की मिलती है और हम लोग लाए कुछ नहीं थे थैली, तो यहाँ पे इनको यहाँ पे हमने एक मतलब मिल गई किस्मत से क्यों। और ये देखिए एक बार फिर से टॉयलेट के चप्पल पहन के आ चुके हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं मार्केट में, एक सामान और लेना, उसके बाद घर। तो देखिए हम लोग वापस आ चुके हैं घर, और ये हमारा छोटा बाबू बनिया। इधर है बाबू। ये पेट में क्या? बोल, आलू बड़ा। इसके पेट में हमेशा एक आलू बड़ा रहता है। और ये देखिए अभी हम इसको खाना खिलाते हैं। देखिए रोनी को खाना खिलाने के लिए कितने लोग आते हैं यहाँ पे? 3 ईयर है, 2 ईयर है, 1 मैं, और फिर भी इतना सा उसका खाना रह गया है। और ये बैठा खाता नहीं, खाएगा कि नहीं बोल, मारो। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने का। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। रोनी भी बोल रहा है, रोनी बोल। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।